स्वाद अनुसार के इस एपिसोड में देखते हैं फ्राइड राइस की एकदम आसान रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें, उसमें मिलाएं थोड़ी सी बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटे लहसुन, बीज निकाली हुई और बारीक कटी हरी मिर्च, कटी हुई हरी फली और कटे हुए गाजर। इसे 2 मिनटों तक बड़ी आंच पर स्टर फ्राई करें। बाद में ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च छिड़के। अब डालें व्हाइट विनेगर, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस। अच्छे से मिला ले। आप इसमें बारीक कटा गोभी और उबले हुए मकाई के दाने भी डाल सकते हैं। अंत में डालें उबले हुए चावल, फिर इसे अच्छे से मिला ले। स्वाद अनुसार नमक और थोड़े बारीक कटे हरे प्याज डाले। अब राइस को थोड़ा टॉस कर ले। बस अब बचता है इसे सर्व करना और खाना। थी कि नहीं एकदम आसान रेसिपी।